अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बताएंगे कि आप एक ही मोबाइल में व्हाट्सएप दो नंबर्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं मान के चलूँगा कि आपके मोबाइल में एक व्हाट्सएप इंस्टॉल है जो आप यूज़ कर रहे हैं। अब बारी आती है दूसरे की। तो ये जो दूसरे नए मोबाइल आए हैं मॉडल, तो इस सारों में एक ऑप्शन होता है क्लोन ऐप्स का। तो सेटिंग में जाएँ, सेटिंग में जाने के बाद आप आ जाएँ ऐप मैनेजमेंट के नीचे, ये ऑप्शन है या दूसरे मोबाइलों में कई और भी हो, लेकिन ऐप क्लोनर पर क्लिक करते हैं तो आपको के पास सोशल अकाउंट्स आ जाते हैं कि आपने किसका क्लोन बनवाना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ट्विटर, हमने व्हाट्सएप का बनवाना है तो व्हाट्सएप पे क्लिक करें, ऐप क्लोन ऐप पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर शो हो रहा है कि हमने क्लोन ऐप आपके डेस्कटॉप पे चला गया। तो चलो डेस्कटॉप पर देखते हैं। तो ये तो एक हो गया ना, ये अच्छा। तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर दूसरे पेज पर आ गया है व्हाट्सएप ऐप क्लोन, इसके साथ तो टू लिखा हुआ है तो ये आपको शो कर रहा है कि ये क्लोन है। अब आप इसे खोलें तो ये इसी तरह ही आ जाएगा जैसे कि सिरे से रहते हैं। तो इसमें अभी आपने नंबर अपना दूसरा पुट कर लेना है, व्हाट्सएप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आपका अकाउंट दूसरा बन जाएगा। लेकिन आप जब एक क्लोन वाला ऐप इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा ऑफलाइन शो होगा, और अगर आप ओरिजिनल वाला इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑफलाइन शो होगा। तो ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आप दो व्हाट्सएप आप अगर किसी को डिवाइड, अब बारी आती है इसे ख़त्म कैसे करते हैं। अगर आप ख़त्म करें तो आप दोबारा सेटिंग में चले जाएं। सेटिंग में आपने ऐप क्लोनर पे नहीं जाना, ऐप क्लोनर से ऊपर ऐप मैनेजमेंट है, ऐप मैनेजमेंट में जाके ऐप लिस्ट पे चेक करें। ऐप लिस्ट में आप आ जाए व्हाट्सएप और व्हाट्सएप क्लोन एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे। तो ये हम आ गए हैं तो व्हाट्सएप क्लोन सिंपली अनइंस्टॉल, ये अनइंस्टॉल हो गया। तो डेस्कटॉप पर चलते हैं, देखते हैं क्लोन वाला व्हाट्सएप गायब हो गया, अनइंस्टॉल हो गया। तो सिंपल, शुक्रिया, फुल देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट भी करें क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।